सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ मेज़रमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट हमने देखा कि मेजरमेंट्स करने के बाद मेजरमेंट्स के तीन पार्ट होते हैं फर्स्ट पार्ट है जो उसका वैल्यू होता है एंड देन उसका यूनिट एंड थर्ड पार्ट इज़ अनसर्टनिटी अनसर्टनिटी कहने का मतलब कि ट्रू वैल्यू फाइन करने के लिए किसी भी एक्सपेरिमेंटल डेटा के ट्रू वैल्यू को फाइन करने के लिए जितने नंबर बार हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं या फिर उस मेजरमेंट तक लाने के लिए हम लोग जो भी ऐपरेटस में चेंजेस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अनसर्टनिटी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट पार्ट्स इन दिस लेक्चर सो फर्स्ट इज सिग्निफिकेंट फिगर वाट इज सिग्निफिकेंट फिगर सो वेन रिजल्ट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ एम कैपिटल एम प्लस माइनस रूट एम इन टर्म्स ऑफ द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी फिजिकल क्वान्टिटी दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यूज ऑफ कैपिटल एम एस्टिमेटेड टू विद इन वन पार्ट इन वन एम बाई एम दैट मीन्स कैपिटल एम का जो वैल्यू है उसको अगर हम वन पार्ट में लिखने के लिए लिखें सो वो कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम के टर्म्स में लिखा जाएगा द अनसर्टनिटी इन कैपिटल एम दिस इज़ द अनसर्टनिटी टर्म जो उसका एरर टर्म है द अनसर्टनिटी इज कैपिटल एम और स्मॉल एम इज़ इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ नॉन जी नॉन जीरो डिजिट्स मतलब कितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उसमें वो उसके अनसर्टनिटी को डिफाइन करेगा द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द बोथ वैल्यूज एंड द अनसर्टेंटी सुड बी कंसिस्टेंट विद इन द कॉमन सेंस ये कंसिस्टेंट होना चाहिए वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल हम लोग लें कि किसी एक्सपेरिमेंटल डेटा का वैल्यू हमारा वन पॉइंट एट नाइन थ्री आया तो इसका लेफ्ट मोट लेफ्ट मोस्ट पार्ट मतलब लेफ्ट साइड में जो पार्ट है डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एम एस टी जिसको हम लोग कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और डेसिमल पॉइंट के राइट right साइड का जो टर्म है द राइट साइड टर्म इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एल एस डी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट दिस इज कॉल लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ना वाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एम एस टी एंड फॉर एल एस टी एल एस टी और एमएस टी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या क्या टर्म्स या क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको हम लोग को यहाँ पे याद रखना है तो स्पर्स्ट है इफ देयर इज ए डेसिमल पॉइंट अगर किसी में डेसीमल पॉइंट है द राइट मोस्ट डिजिट इज दीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इवन इट इट इज एड ज़ीरो क्वान्टिटी दैट मीन्स कि डेसिमल पॉइंट के राइट right साइड का जो डिजिट होगा उस डिजिट को हम लोग क्या कहेंगे एल या लीस सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे अगर कहता है कि अगर 1.00 भी हो तो इस जीरो को भी हम लोग कह सकते हैं एल नेक्स्ट इज नंबर टू वेन इट इज नेसेसरी टू राउंड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंड ऑफ कहने का मतलब हो गया कि टू डिजिट में थ्री डिजिट में या फिर डेसीमल पॉइंट्स को हटा के राउंड ऑफ पॉइंट में अगर लाना चाहे सो वेन इट इज नेसेसरी टू राउंड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर द अनसिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी ट्रीटेड एज फ्रैक्शन अनसिग्निफिकेंट फिगर्स जो है जो हम लोग सिग्निफाइड नहीं हो पाया है डेसीमल पॉइंट्स के लेफ्ट हैंड का पार्ट उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे उसको हम लोग फ्रैक्शन में लेंगे सेकेंड पार्ट दैट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स के सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने देखा कि वेन इट इज़ नेसेसरी टू राउंड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स द इनकसिस्टेंट फिगर्स शुड बी ट्रीटेड एज अ फ्रैक्शन इनकन्सिस्टेंट जो फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग को कंसिडर करना है कैसे कंसिडर करेंगे थ्री वे है अगर फ्रैक्शन जो है ग्रेटर देन वो हाफ है अगर फ्रैक्शन का वैल्यू वन बाई टू से ज़्यादा है तो एल को हम लोग को इंक्रीमेंट करना है एल का वैल्यू को बढ़ाएंगे एल मतलब पॉइंट के बाद का जो डेसिमल का पॉइंट्स है उसको हम लोग को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इफ फ्रैक्शन इज लेस देन हाफ देन एल इज़ नॉट इंक्रीमेंटेड एल को हम लोग नहीं बढ़ाएंगे फर्दर उसका वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे इफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू हाफ अगर फ्रैक्शन का वैल्यू हाफ के बराबर है देन एल एस टी इज इंक्रीमेंट ओनली इफ इट इज ऑड अगर एनलिस्टी को तभी बढ़ाएंगे अगर ये ऑड नंबर है तभी इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे इवन नंबर पे इसको इंक्रीमेंट हम लोग नहीं करेंगे और थर्ड है कोटिंग एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इन इंटरमीडिएट कैलकुलेश नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सुड बी अप्रोक्सीमेटली वन मोर देन दैट ऑफ इंडिकेट इंडिकेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटल अनसर्टनिटी एक्सपेरिमेंटल अनसर्टनिटी में जो वैल्यू हमारा दिखा शो करेगा उससे एक वैल्यू ज़्यादा होगा सिग्निकट फिगर फिगर में फर्दर्स जब हम लोग इसके बारे में एग्जाम्पल्स लेंगे एग्जाम्पल्स में ये आपका आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर किस तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेटास का फाइन करेंगे अभी फिलहाल सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर्स में एल और एम क्या होता है और एल एस डी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोग को याद रखना है जिसके बारे में हम लोग आगे और भी फर्दर डिटेल्स में देखेंगे द नेक्स्ट इज द सोर्सेस ऑफ अनसर्टनिटी एंड एक्सपेरिमेंटल एरर वाट आर द सोर्सेस ऑफ अनसर्टनिटी और एक्सपेरिमेंटल एरर मतलब अनसर्टनिटी और एक्सपेरिमेंटल एरर्स का सोर्स क्या है मतलब ये कहाँ से पैदा होता है सो so, इसका दो ही सोर्स है जनरली दो ही टाइप का सोर्स है फर्स्ट है सिस्टमेटिक एरर है और दूसरा है मेरा रैंडम एरर दोनों का हम लोग डिटेल्स में भी देखेंगे अभी जस्ट इसका हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या होता है सो सिस्टमेटिक एरर जो होता है वो जनरली ट्रू वैल्यू से जो मेरा वेरिएशन हो गया जो वैल्यू ट्रू होना चाहिए उससे जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल डेटा करने के बाद जो वैल्यू हमारा आ रहा है दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग सिस्टमेटिक एरर कहते हैं सो दिस इज द डिग्री टू विच ए मेजर्ड वैल्यू डिफर्स फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ड्यू टू एन इनकरेक्ट स्केल रॉन्ग कैलिब्रेशन और एरोनियस एजम्पन मतलब एक्स कैलिब्रेशन हम लोग गलत किए हैं मतलब कैलकुलेशन में कहीं पे गड़बड़ है एजम्पन हमारा गलत है या फिर जो स्केल है जो वो है वो स्केल में कुछ एरर है ज़ीरो एरर है या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स है जिसके चलते हमारे कैलिब्रेशन में गलत हुआ या फिर वैल्यू जो हमारा सही वैल्यू नहीं आ पाता इसके बारे में हम लोगों ने आपको पहले भी बताया था कि जैसे सिंपल पेंडुलम का वैल्यू का जिसका एक्सलेशन डी टू ग्रेविटी नाइन पॉइंट एट आइडियल वैल्यू है ट्रू वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए लेकिन बॉब्स के रेडियस के चलते या फिर लेंथ ऑफ द पेंडुलम के चलते या फिर इन्वायरमेंट के चलते टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज़ होने के चलते इसका वैल्यू जो है वो 9.8 के नियरेस्ट वैल्यू के बराबर आता है लेकिन 9.8 नहीं आ पाता है लैब में सो so, ये है इसका सिस्टमेटिक नेक्स्ट है मेरा रैंडम एरर रैंडम एरर इसको कहते हैं द दीज आर द अनकंट्रोल वेरिएशन इन द मेजरमेंट विच डिफाइन द प्रिस ऑफ द रिजल्ट दीज आर द अनकंट्रोल वेरिएशन दैट मीन्स इस रिजल्ट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं दीज आर द अनकंट्रोल वेरिएशन इन द मेजरमेंट विच डिफाइन द प्रिसन ऑफ द रिजल्ट दीज मे अराइज फ्रॉम डिफिकल्टीज इन मेकिंग एंड मेजरमेंट और फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन द प्रोसेस कंसर्न मतलब हम लोग जो एक्सपेरिमेंटल डेटा कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने से एक्सपेरिमेंट में ही हमारा फ्लक्चुएट हो गया वैल्यू वैल्यू चेंज कर गया जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ये अप्रेटर्स पे या इन्वायरमेंट पे ये फिजिकली हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं दीज आर द अनकन्ट्रोल वेरिएशन इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रैंडम एनर रैंडमली ये हो जाता है कभी कभी इस तरह का एरर सो so, फ्राम द फ्लक्चुएशन इन द प्रोसेस कंसर्न सो फॉर एग्जाम्पल एराइजिंग ए काउंटिंग ऑफ चार्जेस कलेक्टिंग बाई एन इलेक्ट्रोड और इन द प्रोबिलिटी ऑफ रेडियोटिव डी के बाई ए न्यूक्लियस न्यूक्लियस के वैल्यू में इसका वैल्यू हमारा क्या है चेंज कर जाता है दिस टाइप ऑफ रैंडम फ्लक्चुएशंस आर कॉल्ड नॉइज इस तरह के वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं नॉइज़ कहते हैं नॉइज़ कहने का मतलब जैसे हम किसी तरह का वीडियो लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं रिकॉर्ड करते कहते इन्वायरमेंट का हम नहीं चाहते हैं कि इन्वायरमेंट के आसपास का बैकग्राउंड का भी वैल्यू या लाइट या फिर साउंड आ जाए लेकिन साउंड वो कैप्चर हो जाता है जो हमारा अनडिज़ायर्ड वैल्यू होता है अनकंट्रोल्ड वैल्यू होता है इस तरह के एरर्स को हम लोग क्या कहते हैं रैंडम एरर्स कहते हैं अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो सोर्सेस ऑफ अनसर्टनिटी होता है वो कहाँ से आता है दो टर्म से आता है सिस्टमेटिक एरर से आता है और हमारा रैंडम एरर से आता है सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर्स तो हम लोगों ने देख लिया अब एक्यूरेसी क्या होता है सो एक्यूरेसी जैसे हम लोग जानते हैं तो एक्यूरेसी इज़ द मेजरमेंट इज़ द डिग्री टू विच द कोटेड वैल्यू जो हमारा वैल्यू हम लोग जिसका फाइन करने जा रहे हैं रिफ्लेक्ट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना वो आगे की ओर है या पीछे की ओर है टेंडेंट टेंडेंसी एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा होगा कि अगर हम किसी चीज़ का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ का एक्चुअल जो आइडियल कर्व होना चाहिए उस आइडियल कर्व के बारे में वो वैल्यू नहीं आता उसके आगे पीछे वो टेंडिंग करता है मतलब रिफ्लेक्ट करता है सो दैट्स इज एक्यूरेसी सो एंड वाट इज प्रिसन द प्रिसीशन इज द डिग्री टू विच द रिपीटेड मेजरमेंट गिव्स द सेम रिजल्ट सेम रिजल्ट अगर देगा बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर सेम ही रिजल्ट सेम पॉइंट पे अगर वो वैल्यू देगा दैट इज़ कॉल्ड प्रिसेशन यहाँ पे दो ग्राफ प्लॉट किया गया है इसी प्रसिशन और एक्यूरेसी को समझने के लिए तो ये एक्स एक्सिस से और ये वाई एक्सिस से ये फिगर वन है और हम लोग देख रहे हैं कि जो एरर आना चाहिए मैंने हमारा जो सिस्टमेटिक एरर है वो तो ट्रू वैल्यू से रिफ्लेक्ट कर गया है तो ये प्रिसीशन है कि सर्टन एक्सपेरिमेंट हम लोग किए तो ये डॉट्स में ये वैल्यू जो आ रहा है एक सेम जगह पे आ रहा है और ये इस तरह से आ रहा है सो फिगर वन इज द मेजरमेंट विच इज़ इनएक्यूरेट ये इनएक्यूरेट एक मेजरमेंट है क्योंकि एक्यूरेसी यहाँ पे सही नहीं है बट हाईली प्रिसाइज मतलब हाईली प्रिसाइज कहने का मतलब जब भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सेम टाइम में या सेम जगह पे इसका वैल्यू आ रहा है कहीं और दूसरे जगह पे नहीं चेंज कर रहा है एक ही लाइन में जा रहा है अगर ये स्केल्स लीनियर है वाई एक्सिस में तो वाई एक्सिस में जा रहा है या फिर इस ग्राफ के इसी लाइन के ऊपर है ना ग्राफ के इस साइड में है ना पीछे में सेम कर्व को अगर देखा जाए फिगर नंबर टू में तो देख रहे हैं कि ये आइडियल इस कर्व होना चाहिए लेकिन एक बार ये पॉइंट इस पर है फिर या तो फिर नीचे है या तो ऊपर है फिर नीचे इस तरह के ग्राफ को ये एक एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है इस तरह के ग्राफ को हम लोग कहेंगे इम प्रिसाइज ग्राफ सो प्रिसाइज और एक्यूरेसी क्या है ये क्लियर हो गया प्रिसाइज uh, कहने का मतलब कि सेम टाइम पे सेम जगह पे सेम टर्म जो है वो रिपीट होगा दैट इज प्रिसाइज बट अगर प्रिसाइज है तो ऑब्वियसली वहां पे एक्यूरेसी नहीं होगा लेकिन यहां पे अगर प्रिसाइज है इम है तो उसका वैल्यू क्या होगा इनएक्यूरेट होगा मतलब की वैल्यू एक ही जगह पे रिपीटेड नहीं हो रहा है